फिर ये मुक्ति का सिलसिला आ गया। मुक्ति को मुक्ति कौन है आप लोग पता नहीं कितना जानते हैं, मैं बहुत जानता हूं, मैं बलूचिस्तान तो बहुत अच्छी तरह जानता हूं, मैं बलूचिस्तान में पैदल चलता रहा हूं, हर तरफ 70s में मैंने ऑपरेशन में हिस्सा लिया है, डेरा मुक्ति में, सुई में, कोलू में, मरीजों के एरिया में, डेरा मुक्ति में, मुक्तियों के एरिया में और कल पर मुक्तियों के एरिया में, तो मैं सब को जानता हूं और क्या हो रहा है वहां जानता हूं। ये मुक्ति वो है जो रोजाना हमारी गैस पाइपलाइन को उड़ा देते थे, जो रोजाना इलेक्ट्रिक पाइलॉन को उड़ा देते थे, रेलवे लाइन को उड़ा देते थे, ब्रिजेस को उड़ाया, गवर्नर उनके पास मिलने जा रहे हैं तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो रनवे में था सुई में उसको उड़ा दिया, और फिर चेकपोस्ट लगा दी और फ्रंटियर को जो हुकूमत की एक ऑर्गेनाइजेशन जो फोर्स है उसकी मूवमेंट को चेक करना शुरू कर दिया, और फिर पहाड़ों पे ऑपोजिशन लेकर विंग जो था हमारा ये जो फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान का विंग उसके ऊपर रॉकेट और गोलियां मारे हैं, और सुई प्लांट जो कि हमारा एक अतिरिक्त प्लांट है उसके ऊपर 400-450 रॉकेट एक दिन में फायर हुए हैं। आप मुझे बताएं कि ऐसे शख्स के साथ कैसे निपटना चाहिए, हुकूमत क्या करेगी ऐसे सिलसिले में, तो वही किया जो होना चाहिए था। सिर्फ ये नहीं अपने लोगों के साथ ये कितना जुल्म करते हैं, अगर आप ये समझते हैं ये बहुत ही नेक लोग हैं, बहुत अपने लोगों की तरक्की चाहते हैं, ये अपने लोगों की तरक्की बिल्कुल नहीं चाहते हैं, ये सड़क नहीं बनाना चाहते, ये स्कूल नहीं बनाना चाहते, ये उनको वहां नीचे रखना चाहते हैं कि भाई इसी तरीके से इनकी सरपरस्ती रहती है, खुद अयाशियां करके फिरते हैं पूरी दुनिया में, और गरीब तरीन लोग किसे हुए लोग उधर रहते हैं, इनके अवाम जो है इन्होंने अपनी ट्राइब दल पर ट्राइब को निकल मार के उसके उसके दल पर ट्राइब का जो घड़ेरा था उसके बच्चों को कत्ल करके उनको बाहर निकाल दिया वहां पंजाब में और सिंध में, सिर्फ एक दो महीने नहीं 15 साल से वो वहां थे, हम लोगों ने उनको वापस आबाद किया है वहां, और मैं जब गया था डेरा मुक्ति और सुनी जब वो आबाद हुए तो वो आंसुओं से रोते थे, उन्होंने वो ये कह करके हम आपकी हमारे बच्चे आपके कुत्तों को आपके हमेशा याद रखेंगे कि आपने हमें इतना सपोर्ट किया, और ये कल्पर ट्राइब बुक्ति है, ये कल्पर बुक्ति सबसे बड़ा बुक्तियों का सब ट्राइब है, 60,000 उनके खिलाफ जेनोसाइड किसने किया था, तो ये समझते हैं ये पॉपुलर है वहां, ये पॉपुलर नहीं है मुझे मालूम है, ये अपने ही लोगों पे इन्होंने जुल्म किया हुआ, तो ये सूरत हाल वहां की है बुक्ति की।